इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल दूसरा T20 मैच खेला गया और ये जो मैच है एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। दोनों टीम की तरफ से हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे रन देखने के लिए मिले थे। इस मैच में हमें सेंचुरी, हाफ सेंचुरी सभी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। तो कल की पूरी क्या हाईलाइट थी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले टीम इंडिया यहाँ पर टॉस हार गई और अफ्रीका जीत गई और उन्होंने सबसे पहले किया बॉलिंग का फैसला। टीम इंडिया यहाँ पर आई बल्लेबाजी करने। टीम इंडिया की तरफ से आए रोहित शर्मा और लोकेश राहुल जो कि ओपनिंग करता है, और दोनों यहाँ पर ओपनिंग करने गए और शुरुआत में ही इन्होंने काफी अच्छे हाथ जुड़ा और काफी अच्छे रन बनाए। दोनों की तरफ से हमें यहाँ पर चारों तरफ अच्छे अच्छे शॉट देखने के लिए मिले। रोहित शर्मा भी अपने रंग में दिख रहे थे और जो लोकेश राहुल है वो भी यहाँ पर अपने रंग में दिख रहे थे। तो दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा अपना अच्छा स्कोर बनाते हुए एक शॉट मारते हैं केशव महाराज की गेंद में, लेकिन जो गेंद है वो थोड़ी ऊंची चली जाती है और पीछे रहते हैं फील्डर जो कि इस गेंद को लपक लेते हैं। इस तरीके से 37 गेंदों पर 43 रन बनाकर रोहित शर्मा क्रीज से चलते बनते हैं और अभी हमको यहाँ पर मैच पर लोकेश राहुल का तूफान देखने के लिए मिल रहा था जो कि अच्छी पारी खेल रहे थे और इन्होंने अपनी 50 भी कंप्लीट कर ली थी। काफी अच्छी पारी हमें इनकी तरफ से देखने के लिए मिल रही थी और फिर ये भी एक शॉट मारते हैं लेकिन जो गेंद है वहां पर LPW आउट हो जाते हैं और जो एम्पायर है वो इसे आउट दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो लोकेश राहुल है वहां पर ले लेते हैं रिव्यू, लेकिन रिव्यू में भी यहां पर तीनों चीज लाल लाल आ जाती है। तो इस तरीके से लोकेश राहुल भी यहां पर आउट हो जाते हैं। एम्पायर को अपना फैसला नहीं बदलना पड़ा, जो आउट थे वो आउट थे। तो लोकेश राहुल भी यहां पर क्रीज से चलते बने। 28 गेंदों पर 57 रन की पारी यहाँ पर लोकेश राहुल ने खेली। इसके बाद यहाँ पर आई सूर्य कुमार की आंधी। इन्होंने इतने मस्त मस्त शॉट मारे मैच के चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ इतनी अच्छी पारी हमें इनकी तरफ से देखने के लिए मिल रही थी। ये एक ऐसी पारी खेल रहे थे जो कि पूरी हाईलाइट जैसे हमें लग रही थी और इन्होंने मात्र 18 गेंदों पर अपनी जो हाफ सेंचुरी है उसे कंप्लीट कर ली थी। काफ़ी कम गेंदों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन बना लिए थे और 250 से ज़्यादा इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी था। काफ़ी अच्छी पारी ये खेल रहे थे और जो विराट कोहली है वो भी इनके साथ क्रीज पर डटे हुए थे। दोनों की तरफ से अच्छी पारी देखने के लिए मिल रही थी। इसके बाद कोहली एक शॉट मारते हैं जो कि फील्डर पकड़ लेते हैं, लेकिन जो यहां पर सूर्य कुमार यादव रहते हैं वो रन आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से 22 गेंदों पर 61 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी क्रीज से चलते बनते हैं। फिर यहां पर दिनेश कार्तिक और विराट कोहली तो 49 रन पर ही अटके रहते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक लास्ट के ओवर में 2 सिक्स मार देते हैं और जो लास्ट की जो गेंद रहती है वह यहाँ पर खाली चली जाती है और दिनेश कार्तिक 1 रन दौड़ जाते। कुछ इस तरीके से टीम इंडिया का जो टोटल स्कोर है वो 20 ओवर में 237 रन हो जाता है 3 विकेट के नुकसान पर। जो शुरू के 4 बल्लेबाज रहते हैं चारों ने यहाँ पर अच्छी पारी खेली और दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने भी यहाँ पर 2 सिक्स मारकर यहाँ पर अच्छी पारी उनकी भी बना ली थी। तो जो साउथ अफ्रीका है उनको यहाँ पर मिला 20 ओवर में 238 रनों का लक्ष्य और साउथ अफ्रीका की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए। और जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है बाबूमा वहाँ पर शुरू में तो थोड़ा मतलब प्लेड वगैरह किया, लेकिन इस मैच में भी वहाँ पर 0 में आउट हो गए। उन्होंने एक शॉट मारा जो कि बैट में कनेक्ट नहीं हुई और सामने यहाँ पर कैच उनका लपक लिया गया। इस तरीके से इस मैच में भी 7 गेंदों पर मात्र 0 रन बनाए और वो भी क्रीज से चलते बने। इसके बाद जो रोसो रहते हैं वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के लिए आते हैं, लेकिन जो गेंद है ऊंची चली जाती है और नीचे रहते दिनेश कार्तिक। हाथ से एक बार गेंद छूटती जरूर है, लेकिन वो सफलतापूर्वक इस गेंद को लपक लेते हैं। कुछ इस तरीके से जो रोसो है वो भी यहाँ पर 0 रन पर चलते बनते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका की जो पारी है वो थोड़ी संभल सी जाती है। जो डीकॉक रहते हैं और जो मार्करम रहते हैं दोनों की तरफ से हमें अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिलती। इसके बाद मार्करम भी यहाँ पर आउट हो जाता है। वो एक शॉट खेलते हैं अक्षर पटेल की गेंद में, लेकिन बैट में कनेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट स्टंप पर चले जाती। 19 गेंदों पर 33 रन मार्करम ने बनाए थे। इसके बाद आते हैं डेविड मिलर और डीकॉक तो पहले से थे जो कि पारी को संभाले हुए थे। तो जो डेविड मिलर है वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट मार रहे थे क्रीज के चारों तरफ। काफ़ी अच्छी पारी हमें डेविड मिलर की तरफ से देखने के लिए मिल रही थी और इनकी पारी में हमें 6 भी देखने के लिए मिल रहे थे, 4 भी देखने के लिए मिल रहे थे। काफ़ी अच्छी पारी हमको इनकी तरफ से देखने के लिए मिल रही थी और इस साइड से जो डीकॉक है वो भी अच्छी पारी खेल रहे थे। तो दोनों की तरफ से यहाँ पर अच्छी पारी चल रही थी। जो डेविड मिलर है उन्होंने यहाँ पर अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी जो कि काफ़ी अच्छी पारी इनकी तरफ से हमें देखने के लिए मिल रही थी। और जो डीकॉक है वो भी एक तरफ से अपना छोर संभाले हुए थे और जो मिलर है वो भी अच्छे अच्छे शॉट खेल रहे थे। तो 26 गेंदों में यहाँ पर इन्होंने 51 रन बना लिए थे डेविड मिलर ने और अभी भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए थे जो कि स्कोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर जो डीकॉक रहते हैं उन्होंने भी अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी ज़्यादा गेंद खेली, मतलब कि जो डेविड मिलर है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा तूफानी पारी खेली और इन्होंने थोड़ी ज़्यादा गेंद ली थी, लेकिन जो डेविड मिलर है उन्होंने यहाँ पर खेल ही खेल में अपनी जो सेंचुरी है वो भी कंप्लीट कर ली थी। इन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स मारकर अपनी जो सेंचुरी है उसे भी कंप्लीट कर ली थी। डेविड मिलर की तरफ से हमें एक अच्छी पारी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इनकी पारी, इनकी जो जीत है उसमें सहयोग नहीं दे पाई। जो साउथ अफ्रीका की जीत है उसमें सहयोग नहीं दे पाई। इन्होंने सेंचुरी तो बनाई, लेकिन उस सेंचुरी के चलते यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम नहीं जीत पाई, क्योंकि जो टीम इंडिया का स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और साउथ अफ्रीका इसे चेस नहीं कर पाई। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका केवल 221 रन ही बना पाई और 238 रनों का यहाँ पर टारगेट था। तो इस तरीके से टीम इंडिया ये जो मैच है वो जीत गई थी।